Hi all, welcome to this another video session on Python series. So in this today's video, we will be covering upon tuples and list in Python. Tuples or list क्या होता है उसी के बारे में हम लोग जानेंगे आज. तो वीडियो में बने रहे और देखे टिल एंड तक. तो लिस्ट और टपल होता क्या है, सबसे पहले तो एक नया वीडियो बना सॉरी एक नया लेक्चर बना लेता हूँ, एक नया फाइल बना देता हूँ लेक्चर नाम का, और उसके बाद बात करेंगे हम लोग लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं. तो मैंने यहाँ सिंपली लेक्चर 7.py डाला, क्योंकि लेक्चर 7 है ये, और ये इसको py कर देता हूँ, गलती से pu एक्सटेंशन हो गया, थोड़ा सा बेयर करें, py हो गया. अब बात कर लेता हूँ मैं कि लिस्ट होता क्या है. व्हाट इज अ लिस्ट? लिस्ट क्या होता है? आपका एक कंटेनर होता है जिसमें मैं अपने डेटा डाल सकता हूँ, ठीक है. एक कंटेनर है जिसमें मैं अपना डेटा डाल सकता हूँ, और ये डेटा टाइप कुछ भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, मिक्स भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी, इंटीजर भी, कुछ भी. इसको एक उसके पहले एक चीज कर लेता हूँ, कमांड पैलेट में जाके डेवलपर टॉगल कास्ट मोड को इनेबल कर देता हूँ, ताकि यार ये भी दिखे कि क्या मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल सब कीबोर्ड का सब कुछ दिखेगा यार मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ. तो लिस्ट को किस तरह से डिक्लेयर करते हैं? हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से डिक्लेयर करते हैं. तो लिस्ट एक कंटेनर होता है जिसमें हम लोग सारा डेटा डाल सकते हैं, और वो लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, दैट काइंड ऑफ स्टफ आल्सो वी कैन डू. तो वो सब कुछ हम लोग इस वाले वीडियो में जानेंगे. पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने स्ट्रिंग से खेला था, इस बार लिस्ट के साथ खेलेंगे. स्ट्रिंग के जितने भी फंक्शंस होते हैं ऑलमोस्ट सेम है, और सब कुछ सेम है यहाँ पे लिस्ट में भी. तो लिस्ट क्रिएट कैसे करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट से देख ले, लिस्ट होता है हमारा स्क्वायर ब्रैकेट में, मैं इस्तेमाल करूँ लिस्ट होगा, मैं पैरेंथेसिस इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं क्या होगा, मेरा टपल होगा. तो ये थोड़ा डिफरेंस है हमारा लिस्ट और टपल्स में, यही डिफरेंस होता है. तो अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, तो मेरा लिस्ट होगा. अगर मैं पैरेंथेसिस इस्तेमाल कर रहा हूँ तो वो मेरा टपल होगा. टपल्स में क्या होता है ना, मैं चेंज नहीं कर सकता डेटा को, मैनिपुलेट नहीं कर, डेटा को चेंज नहीं कर सकता, रीअसाइन नहीं कर सकता कि एक इंडेक्स में एक डेटा है तो उसको मैं रीअसाइन करके कुछ और डाल दूं, दैट इज नॉट पॉसिबल इन टपल, बट इन लिस्ट इट इज पॉसिबल, ठीक है. तो लिस्ट में ये पॉसिबल होता है, बट इन केस ऑफ टपल आपको वो पॉसिबल नहीं होगा. तो मैं क्या करता हूँ, अभी थोड़ा सा काम स्टार्ट करते हैं. ऑब्वियसली मैं एक लिस्ट बनाऊंगा, एक अच्छी लिस्ट बना के आपको दिखाऊंगा कि उसमें किस तरह डेटा डाल रहे हैं और किस तरह से मैनिपुलेट कर रहे हैं, सब कुछ भी वो डालेंगे. एक एम बी नाम का लिस्ट बनाया, उसमें शिवा डाला एक, और उसके अंदर मैं एक कमीत डाल रहा हूँ, और फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ और वेरिएबल डाल देते हैं अपने हिसाब से. जेटा है हमारे पास एक जेटा, ये एक लिस्ट हो गई है, ठीक है, एक लिस्ट हो गई है. इस लिस्ट को प्रिंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे प्रिंट कमांड का इस्तेमाल करते हैं, रन कर दिया, यहाँ पे तीन लिस्ट का, लिस्ट में सारा डेटा आ गया, मतलब शिवा, मीत एंड चेटा एज केम, ठीक है. ये तो हो गया लिस्ट, किस तरह से हम लोग लिस्ट क्रिएट करते हैं. इसमें मेरा ठीक है, इसको प्रिंट करने के लिए सिंपल होता है हमारा क्या, प्रिंट कमांड होता है. अगर आप शीशा में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको कंसोल रिटर्न का इस्तेमाल करना होता था, थोड़ा बहुत लंबा है वर्ड इस्तेमाल करिए, यहाँ पर सिंपल एक प्रिंट इस्तेमाल करेंगे हो जाएगा. तो ये इस तरह से मैं यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ, स्पेसिफिक इंडेक्स में भी प्रिंट कर सकता हूँ मैं चाहूँ तो. अगर जीरो इंडेक्स में करूँगा चाहता हूँ तो एम बी, फिर मेरे को ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका इंडेक्स का नाम लिखना पड़ेगा. एक और चीज़ जो इंडेक्स होते हैं ना, वो हमारे जीरो से स्टार्ट होते हैं यहाँ पे, और इसके पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक लिस्ट में कुछ और नंबर्स भी डाल दे रहा हूँ, और मैं उसको प्रिंट करूंगा तो ऑब्वियसली वो भी प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि यार मैंने बोला लिस्ट में डेटा टाइप के रिस्पेक्टिव ऑफ डेटा टाइप, ये वो सब कुछ एक साथ दे लेता है कंटेनर में. कंटेनर में कुछ भी डालेंगे वो डिब्बे में डलता जाएगा यार, अब मैं वो 10 का सिक्का डालूँ या फिर मैं पेन डालूँ, कंटेनर में वो डलता जाएगा. तो सेम रूल लिस्ट है यार, लिस्ट में कुछ भी डालूँ मैं सब कुछ चलेगा, बट अगर मैं सॉर्ट कर रहा हूँ, कुछ और चीज़ें कर रहा हूँ तो मेरे को ध्यान देना पड़ेगा कि सेम ही टाइप का हो. तो एम बी वन किया मैं, वन इंडेक्स में मेरा मीत है तो मेरा मीत आ जाएगा यहाँ पे. और इस तरह से सेकंड इंडेक्स में देखना चाहूँगा तो मैं जेठा आएगा, इस तरह से जीरो में शिवा आएगा, दैट काइंड ऑफ थिंग. एम बी फाइव करूँगा तो ये इंडेक्स आउट ऑफ रेंज क्यों आएगा, क्योंकि यार एम बी फिफ्थ में कुछ है क्या, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव में कुछ नहीं है, तो इसलिए मेरे को यहाँ पे एक्सेप्शन दिखा रहा है, ठीक है. अगर मेरा यहाँ पे कोई डेटा नहीं है तो एक्सेप्शन वो थ्रो करेगा, ठीक है, एक्सेप्शन इस तरह थ्रो कर देगा.
इस तरह से मैं कोई भी इंडेक्स का डेटा फाइंड कर सकता हूँ, और मैं कुछ सॉर्टिंग भी कर सकता हूँ, सॉर्ट काइंड ऑफ एम्बेडेड सॉर्ट करूंगा आ जाएगा, पर यहाँ पे एक्सेप्शन दिखाएगा। क्यों दिखाएगा एक्सेप्शन? इसलिए दिखाएगा एक्सेप्शन क्योंकि यार मेरा इंडेक्स मतलब मिक्स है, डेटा मिक्स है तो नॉट सपोर्टेड है, और मेरे को सॉर्ट करना है तो पहले मेरे को फंक्शन लगना पड़ेगा पिंड, बाद में फिर मैं उसका एरो को पिंड करूंगा, इस तरह से लिस्ट का पिंड करूंगा, ये सब करना पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने नंबर हटा दी क्योंकि मुझे सॉर्ट करना है सिर्फ, मैं एक सिंगल डेटा टाइप का इस्तेमाल कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने सॉर्ट कर दिया, जेठा मीत और शिवा आ गया। सॉर्ट मतलब ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट करेगा, जेठा सबसे पहले आएगा, फिर मीत आएगा, फिर शिवा। जेठा जे से स्टार्ट होता है, एम मीत एम से स्टार्ट होता है, और शिवा एस से स्टार्ट होता है। शॉर्ट के साथ साथ मैं कुछ और भी कर सकता हूँ, मेरे को मन करा तो मैं रिवर्स कर सकता हूँ, मैं पैलेंड्रोम नंबर फाइंड कर सकता हूँ, ये सब चीज़ें मैं कर सकता हूँ। बहुत इजी है यार यहाँ पे पाइथन में, बहुत ज़्यादा इजी है, मैं सिंपल है यार, मेरे को बताओ। मैं कंपेयर करूँगा उसको क्या उसको कोलन कोलन माइनस वन स्क्वायर ब्रैकेट में डाल करूँगा तो मेरा पैलेंड्रोम हो जाएगा। वैसे शीशा में भी बहुत ईजी है अगर आप लिंक्यू का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप ट्रेडिशनल मेथड में जा रहे हैं तो आपको इशू आएगी, थोड़ा लंबा पड़ेगा। एम्बेडेड रिवर्स करूंगा, पहले तो उसने शॉर्ट किया उसके बाद रिवर्स कर दिया उल्टे ऑर्डर में, ठीक है। एम्बेडेड करेंगे, पहले मैं इसको रन करूंगा, रन करके दिखा रहा हूँ आपको क्या आ रहा है। रन किया मैंने, अभी रन किया, जेठा मीट शिवा आ जाएगा, फिर शिवा मीट जेठा आ जाएगा क्योंकि मैंने शॉर्ट किया, फिर उल्टा आ जाएगा, तो शिवा पहले आएगा, फिर मीट आएगा, फिर जेठा आएगा, ठीक है। इस तरह से आप शॉर्ट करके रिवर्स कर सकते हैं, ये चीज़ें आप आराम से कर सकते हैं पाइथन में, बहुत ज़्यादा इजी है ये। ये बिल्ट इन फंक्शन है, आप जब भी कोई फंक्शन बना रहे हैं अपना खुद का कस्टम फंक्शन, तो पहले देख ले कि वो फंक्शन ऑलरेडी अवेलेबल है कि नहीं। अगर पाइथन में ऑलरेडी अवेलेबल है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, बनाने की जरूरत नहीं है फिर से आपको, ठीक है। ये तो हो गया, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ, डिफरेंस क्या डिफरेंस। अब मैं ये दिखाऊंगा ना कोलन कोलन माइनस, इस तरह से मैं कोलन से काम कर रहा हूँ ना, ये मैं पिछली बार स्ट्रिंग में भी किया था और मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ। शॉर्ट में क्या होगा ना, स्लाइसिंग जब करूंगा ना तो वो नया एरे रिटर्न करता है, पर मैं अगर शॉर्ट रिवर्स करूंगा तो वो अपना एग्जिस्टिंग एरे को मॉडिफाई करता है, आई थिंक यही करता है ना, यही है हाँ। रिवर्स और शॉर्ट वो अपना ओरिजिनल लिस्ट पे मॉडिफाई करता है, और जो हमारा स्लाइसिंग है वो एक नया लिस्ट क्रिएट करता है। तो मैं इसको फिर से प्रिंट करूंगा ना तो वो हमारा मेन डेटा आ जाएगा। प्रिंट करके देखिए यही डिफरेंस होता है। आप प्रिंट एमबी कॉलन टू करने के बाद अगर मैं इसको फिर से एक प्रिंट एमबी करूंगा ना तो देखिए मेरा डेटा पूरा आ जाएगा सारा, देखा शिवा मीत जेटा आ गया, जेटा वापस आ गया, जेटा इज बैक, जेटा वापस आ गया। क्यों वापस आ गया जेटा? क्योंकि वहाँ पे जेटा कि वो ओरिजिनल लिस्ट को मॉडिफाई नहीं किया था, इसको स्लाइसिंग एक नई लिस्ट क्रिएट करती है, और पर आप सॉर्ट और रिवर्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो ओरिजिनल लिस्ट को मॉडिफाई करती है, तो आपको जो आपका इनिशियल वैल्यूज है वो आपका हट जाएगा, वो उस पर मॉडिफाइड हो जाएगा। इसीलिए मैंने बोला कि एमबी डॉट सॉर्ट है, एमबी डॉट रिवर्स कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली प्रिंट ना करें काम नहीं करेगा, ठीक है। इस तरह से मैं जितने भी स्ट्रिंग वाले फंक्शन मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था वो सारे एप्लीकेबल है लिस्ट में, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, देख सकते हैं सब कुछ आपको मिल जाएगा वो वाले वीडियो में यार, तो ठीक है। तो मैं ज़्यादा कुछ रिवाइज नहीं कर रहा हूँ, ये यार ऑब्वियसली यार मैंने बताया वो उस वाले वीडियो में, आप जाइए वो वाले वीडियो देखिए। और जब भी वीडियो फॉलो कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट फॉलो करें, डायरेक्टली एक वीडियो ना फॉलो करें, आप प्लेलिस्ट फॉलो करें, प्लेलिस्ट से आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि मैं सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ स्टार्टिंग से। कोलन कोलन किया, जीरो वाला जीरो इंडेक्स है, मतलब जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा वो डालेंगे। उसके बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को स्किप करना है कि नहीं करना है? अगर मेरे को एक स्क्रिप करना है तो मैं दो लिखूंगा, एक ज़्यादा लूंगा उसके वर्ड से आखिरी वाले खाने में, बीच वाले में क्या डालूंगा कि कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक मतलब वो एंड कहाँ तक है, तो उसको काउंट निकालते हैं मतलब वहाँ से, या फिर आप इंडेक्स माइनस वन बोल सकते हैं, वो लेता है और वो जीरो से स्टार्ट होता है। अगर मैं वन करूंगा तो क्या होगा, वन किया मैंने, अच्छा ठीक है, एक एक स्किप कर रहा है तो कुछ स्किप भी नहीं करेगा यार, एक एक ना यहाँ पे और यहाँ पे नंबर चाल दे रहा हूँ मैं कुछ ऐसा, ठीक है। कोलन कोलन डाला, जीरो से स्टार्ट। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दबा दे बेल बटन को एंड सेट इट टू ऑल फॉर फुल नोटिफिकेशंस। जीरो से स्टार्ट हो रहा है ना, ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है मेरा, और यहाँ पे देखिए कुछ चेंज ही नहीं हुआ, जीरो से स्टार्ट हुआ एंड तक गया और वन वन स्किप कर रहा, कुछ होगा ही नहीं यार, वन वन स्किप कुछ स्किप ही नहीं, दो करना पड़ेगा ना मेरे को स्किप करने के लिए। तो इस बार क्या करेगा, मैं रन करूंगा ना तो आप देखेंगे यहाँ पे
वन आएगा, तीस आएगा, टू, क्योंकि यार एंड तक जाएगा, जीरो मैंने डाला रखा जीरो ले लेगा, और एंड तक ले रहा है क्योंकि मैंने दूसरा वाला भी खाली रखा है, और तीसरे वाले में दो डाला है तो दो माइनस वन 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 स्पेस वन वन जगह छोड़ के जाएगा वो, ठीक है ये चीज़ें हैं। और अगर मेरे को लेंथ भी डिफाइन करनी है, जैसे मैंने अगर यहाँ पे चार डाला तो तीन इंडेक्स तक जाएगा, तीन इंडेक्स डाला तो दो इंडेक्स तक जाएगा भैया, दो इंडेक्स तक। मैं इसको प्रिंट करूँगा, प्रिंट कर दिया गया मैंने, नहीं प्रिंट किया यहाँ पे, अरे एक तीन तक गया, जीरो वन टू दो इंडेक्स तक गया मेरा, या फिर काउंट बोल सकते हो जो भी आप चाहें, मैं तो इंडेक्स ही बोलता हूँ, जीरो वन टू तक जाएगा, मतलब एक कम तक जाएगा, और आखिरी वाले में भी एक कम तक जाएगा, एक कम तक करेगा, मतलब यार अगर आप दो डालेंगे तो वो एक स्किप करेगा, अगर आप एक डालेंगे तो कुछ नहीं स्किप करेगा, जीरो स्किप करेगा। माइनस वन का खंडा है, फंडा है यहाँ पे। बाकी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन को दबा दे और ऑल जरूर करें, जैसे फिर नोटिफिकेशन ही नहीं आएगा, आप बैठे रहेंगे नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, ये वीडियोस हर दिन आती रहती है। वन वन डाला मतलब क्या, वो वन इंडेक्स से स्टार्ट होगा, वन इंडेक्स क्या पाँच है, और थ्री, थ्री का मतलब दो तक जाएगा तो तीस तक जाएगा, और एक स्किप कुछ नहीं कर रहा है तो पाँच और तीस आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। तीन मतलब दो इंडेक्स तक जाएगा ये, और वन मतलब स्टार्टिंग वन से स्टार्ट होगा इंडेक्स से, और दो इंडेक्स तक जाएगा, और वो आपका, और एक स्किप कुछ नहीं करेगा क्योंकि एक डाल कर रखा है मैंने। इस तरह से आप लिस्ट के साथ खेल सकते हैं, लिस्ट के और भी फंक्शन से आप उसको क्या करें, आपको चेक करना पड़ेगा इंटरनेट में क्या क्या फंक्शन है ये सब चीज़ें, ठीक है। मोस्ट ऑफ द फंक्शन मैंने ऑलरेडी कवर किए हैं तो आपको ज़्यादा इशू होने नहीं वाली, यार मैं जब जनरली कवर करता रहता, कुछ नया फंक्शन है आपको वीडियो चाहिए उसका कमेंट जरूर करें उसमें, ठीक है, कमेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा वो भी कमेंट करें, और वीडियो तो किस तरह से और बेहतर कर सकते हैं वो उसके भी कमेंट करें। कभी कभी वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है क्योंकि यार कुछ रिपेयर करते हैं वीडियोस को बाद में, और ये कोलन कोलन माइनस वन, भाई कोलन कोलन वन डाला है, माइनस वन डाला है अभी को, तो ये रिवर्स कर देगा, सिंपल रिवर्स करने का एक फंडा है, ठीक है। पर एक चीज बता देता हूँ, कुछ लोग क्या करते हैं माइनस टू भी चले जाते हैं तो क्या करेगा, स्किप करके भी करेगा, वो काम करेगा जब तक आप आगे में कोई वैल्यूज नहीं डालें, गलती से मैं अगर आगे भी वैल्यू डाल दिया तो मेरा वो एम्प्टी एरर दे देगा। तो सबसे बेहतर है कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो माइनस वन तक ही जाएं, उसके ऊपर ना जाए। देखो माइनस टू कर दिया मतलब क्या, रिवर्स करेगा और एक एक स्किप करेगा डेटा को, तो देख लो यार तुम, दो से स्टार्ट हुआ, दो फिर तीस फिर एक, इस तरह से मैं रिवर्स कर रहा हूँ ना, तो मैं उल्टा रिवर्स करके बताऊंगा यार सिंपल। ये जो रिवर्स करने का फंड है ना कोलन कोलन माइनस वन, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है पैलिंड्रोम करने के लिए। शीशा में क्या है, सीक्वेंस इक्वल्स करके कुछ ज़्यादा रिवर्स निकाल के वो भी एक लाइन का हो जाता है, पर ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, देख लें एक लाइन में। अभी अगर मैं इसके सामने कुछ और भी डाल दूँ वैल्यू, फोर डाल दिया, फोर इंडेक्स जाएगा, रन करूँगा, रन किया कि नहीं किया अभी मैंने, हाँ तो दो भी डाल दिया, दो से चार हुआ, चार पे जाएगा, देखो एम्प्टी एरर आ गया। अब देखो ये गड़बड़ हो गया, माइनस टू करेंगे रिवर्स करके अब वो करेंगे तो उसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो फिक्स करने के लिए क्या करूँगा मैं, एक नया वेरिएबल बनाकर कुछ ऐसे डाल के उसका, फिर वहाँ से उसको असाइन करके फिर उसको दो इटरेशन करके मैं कर सकता हूँ काम, अगर वो करना है मेरे को। यही फंडा है, और तो कोई फंडा नहीं, नहीं मेरे को यही लग रहा है कि मैं दो बार करना पड़ेगा मेरे को, एक बार असाइन करके दूसरे बार फिर से मेरे को वहाँ से फिर से काम करके, ठीक है। इस तरह से मैं लिस्ट में काम कर सकता हूँ, ठीक है। इस तरह से मैं लिस्ट पे सारे चीज़ों की लिस्ट का मैनिपुलेट सब कुछ कर सकता हूँ, ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी कवर करके रखी है। तो पिछले वाले वीडियो में जो स्ट्रिंग का बताया वही चीज़ें लिस्ट में भी एप्लीकेबल हो रही है, तो आपको कोई ज़्यादा चिंता नहीं करने की जरूरत नहीं है, वीडियो को देख सकते। लोड अपेंड फंक्शन किस लिए इस्तेमाल होता है, यार अपेंड मतलब वो ई एन डी एंड बोल रहा है, एंड मतलब वो एंड में कोई डेटा डालने के काम आएगा लिस्ट के एंड में। सिंपल एमबी डॉट अपेंड करूँगा, डबल कोट्स के अंदर मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, यहाँ पे मैंने मीत डाला, चलो यार यहाँ पे मीत फिर से डाल दिया, मीत आ गया आखिरी में, ठीक है लिस्ट के आखिरी में मीत आ गया। अब क्या है, मैंने एंड था, अपेंड से नाम सुना जा रहा है, एंड मतलब वो आखिरी में आएगा। अगर मेरे को स्पेसिफिक इंडेक्स में डालना है, ऐसे भी तो हो सकता है ना कि मेरे को स्पेसिफिक इंडेक्स में डालना है, तो मैं किस तरह से डालूंगा वो मैं यहाँ पे बताऊंगा। अपेंड तो हो गया, अपेंड का बता दीजिए, शीशा में किस तरह से करते थे, डॉट एड लिस्ट डॉट एड होता था,
और यहाँ पे अपेंड होता है, सिंपल है वो। यहाँ पे बहुत सारे बहुत कम कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं हम लोग। बट पॉप बता देता हूँ, पॉप क्या होता है, आखिरी से एक डेटा उठाने के लिए, डिलीट करने के लिए काम आएगा। ऑब्वियसली यहाँ पे दो हट जाएगा तो 29 वापस आ जाएगा, ठीक है। मीत तो मैंने हटा दिया ना वहाँ पे, जब मैं अपेंड कर रहा था तब मैंने किया था, तो लिस्ट में अभी नहीं आएगा, ठीक है। इस तरह से मेरा पॉप भी हो गया। इंसर्ट कर रहा हूँ एमबी डॉट इंसर्ट, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक इंडेक्स डालूंगा, कौन से इंडेक्स में डालना है मेरे को, और उसके बाद मैं डेटा डालूंगा क्या क्या डालना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं सेकंड इंडेक्स में डाल रहा हूँ। सेकंड इंडेक्स में डालने के बाद मैं कहाँ डालूंगा, कुछ भी डाल सकता हूँ यहाँ पे मैं, डबल कोट्स के अंदर, या फिर स्ट्रिंग चाहूँ, या फिर नंबर चाहूँ, जो भी चाहूँ मैं वो डाल दूँ यहाँ पे, ठीक है। वर्ड वही डालना पड़ेगा, सयूरी मैंने डाला यहाँ पे, यहाँ पे एक सयूरी वर्ड डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो स्ट्रिंग है। अब मैं इसको रन करूँगा तो पॉप हटा देता हूँ, सेकंड में फिफ्थ के बाद मेरा सेकंड इंडेक्स जो है सयूरी आ गया, और एक इंडेक्स पीछे चला गया, बाकी जो एलिमेंट से जो राइट साइड में वो पीछे चले गए, खिसक गए, जगह बनाया वो अंदर घुस गया, सयूरी अंदर घुस गया, ठीक है। ये वर्ड आ गया। इस तरह से इंसर्ट भी कर सकता हूँ, कोई भी इंडेक्स में डाल सकता हूँ, जो इंडेक्स में डालना है वो इंडेक्स में डालूंगा, उसके बाद में वर्ड का नाम डालूंगा। इस तरह से मैं इंसर्ट कर सकता हूँ कोई भी डेटा को लिस्ट के अंदर। इसके बाद क्या करूँगा मैं, अगर रिमूव करना है, मैं कोई डेटा रिमूव करना है तो किस तरह से करेंगे। और एक और चीज़ है भैया, अगर डुप्लीकेट डेटा है ना तो वो एक ही बार रिमूव करेगा, मतलब अगर आपका दो बार आ रहा है तो क्या करेगा, वो पहले अगर फाइन करेगा दो आ गया तो रिमूव करेगा पहला वाला दो को, दूसरे वाले दो को छुएगा नहीं, क्योंकि वो पहला जो वर्ड मिल गया वो कर देगा ब्रेक कर देगा, उसके बाद जाएगा ही नहीं कि है कि नहीं, वो चेक करेगा ही नहीं, वो आलसी है बहुत बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रिमूव डालूंगा, तो यहाँ पे रिमूव डालते हैं, कहाँ डालते हैं, ठीक है, रिमूव डाल दिया। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, दो बार डाल देता हूँ यार, सीरियसली डाल देता हूँ दो को दो बार, हाँ एक के बाद दो डाल दिया, देखा ना दो आ गया, दूसरा वाला दो आ रहा है, क्योंकि उसने छुआ तक नहीं यार, सीरियसली दूसरी बार छुएगा नहीं, क्योंकि दो पहली बार मिल गया, उसके बाद उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाकी है कि नहीं लिस्ट में, वो बंद कर देगा सो जाएगा, ठीक है। इस तरह से वही अगर नहीं मिलेगा कुछ पूरा तो फिर पूरा सर्च करेगा, नहीं मिलेगा तो फिर वो एक्सेप्शन रेस करेगा, वो तो रेयर केस है, वो तो अलग केस है, ठीक है, वो तो एक्सेप्शन रेस करेगा। बाकी हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये सब चीज़ें भी होती है यार, आप देख सकते हैं किस तरह से करते हैं, आने वाले वीडियोस में भी बताऊंगा किस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो ऑब्वियसली बोल रहा हूँ कि बाकी सीरीज ही फॉलो करें, पता चला कि आप कुछ सीखना चाहते हैं और हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है वो सारे वीडियोस, पर फिर भी आप सर्च कर रहे हैं आपको मिल ही नहीं रहा है दूसरी जगह पर, तो आप प्लेलिस्ट चेक जरूर चेक करेंगे, प्लेलिस्ट में क्या क्या प्लेलिस्ट चल रही है, क्या क्या सीरीज चल रही है। टपल्स के बारे में बात करेंगे, सिंपल, अब टपल्स के बारे में बात करते हैं, टपल्स का बताएंगे हम लोग। टपल्स में जैसे मैंने बताया ना, टपल्स क्या कर सकते हैं ना, मैं टपल्स को डेटा को चेंज नहीं कर सकता हूँ, मैंने दो डाल के रखा है, दो इंडेक्स में अगर मेरा कोई पांच है तो पांच ही रहेगा, उसको जगह को मैं सयूरी नहीं कर सकता, या उसके जगह पे मैं कुछ चेंज नहीं कर सकता, असाइन नहीं कर सकता। जैसे एम बी वन मैंने उसको सयूरी असाइन कर दिया, तो तुम्हारा वन के अंदर दो है ना, तो दो लिस्ट में क्या होगा, दो की जगह पे सयूरी आ जाएगा, लेकिन दो की जगह पे सयूरी आ गया, दो गायब, दो को धक्के मार के निकाल दिया, सयूरी आ गई वहां पे, ठीक है। अगर वही ये टपल होता तो एक्सेप्शन रेज करेगा, टपल में मैं चेंज नहीं कर सकता, जिसकी जगह है वही है जगह, अब उसकी जगह कोई और ले नहीं सकता, ठीक है, कुछ भी तरह से ले नहीं सकता, ठीक है। इसी वाले को चेंज करते हैं, पैरेंथेसिस कर देता हूँ इंस्टेड ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। एम बी वन इक्वल टू सयूरी डाला, एक्सेप्शन थोड़ा दिखाया, ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, टप्पल में सपोर्ट नहीं कर सकता, आप किसी और की जगह पे किसी और को नहीं डाल सकते, जो है वही है, दो है तो दो ही रहेगा, सयूरी नहीं आएगा, ठीक है, एक चीज ये है, ठीक है। अब एक और चीज है, बहुत छोटी सी चीज है, मैं वन डाला सिर्फ एक खाली, भैया तो वो टपल नहीं बनाया, क्योंकि एक डाल लो तुम, मैं एटलीस्ट दो रहना चाहिए टपल बनाने के लिए, अगर मेरे को दो अवेलेबल नहीं है डेटा तो क्या करूंगा, मैं वन के बाद एक कॉमा डाल दूंगा, सिंपल कॉमा डाल दूंगा, टपल वो बन जाएगा, नहीं तो फिर टपल नहीं बनेगा, खाली एक टपल नहीं बनाएगा, उसको कॉमा भी डालना पड़ेगा, दो करेक्टर्स होने चाहिए, वन के बाद कॉमा डालूंगा मैं, ओके वन के बाद कॉमा डाल दूंगा, और क्या, और टपल बन जाएगा पट्ट से, टपल बनाने तो आज के वीडियो में क्या डालना है, टपल्स जाना लिस्ट आना, ठीक है, सिंपल, लिस्ट और टपल, लिस्ट को चेंज कर सकता हूँ, टपल्स को चेंज नहीं कर सकता मैं, डेटा को, डेटा जो है वो है। आने वाले वीडियोस में कुछ और चीज़ें सीखेंगे, पाइथन की सीरीज चलती रहेगी, एब्सोल्यूट बिगनर्स वाली सीरीज है, मल्टीलिंगुअल में, इंग्लिश में भी है।